हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे सिलाई मशीन में तागा फंसने के बारे में। ये देखिए दोस्तों, यह छोटी सिलाई मशीन है, इसके अंदर तागा फंसता है। तागा फंस के सिलाई मशीन में पूरा जाम हो जाता है, कितना भी फिरता नहीं है, और नाल के अंदर फंसता है, व्हील के अंदर फंसता है। इस तरह से फंस के सिलाई मशीन पूरा जाम हो जाती है। इस तरह से क्यों होता है और कहाँ कहाँ फंसता है और क्या मिस्टेक से सिलाई मशीन में बार बार तागा फंसता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊँगा। चलिए दोस्तों, देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसमें तागा डाल लिया है, अभी इसमें मशीन में तागा डाल लिया है। और ये देखिए, ये जो बॉबिन केस है, देखिए इस तरह से थोड़ा तागा छोड़े सो रहता है। ऑलरेडी तो मालूम ही होगा आपको, इस तरह से नीचे लगाए सो रहता है। क्या क्या करते लोग क्या करते हैं कभी कभी बोले तो ना, अब देखिए नीचे का तागा ऊपर बिना लिए ही सीने को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से करने पर भी आपकी सिलाई मशीन में नीचे नाल के अंदर सपड़ पड़ता है तागा। इसीलिए क्या करना चाहिए, ये जो इस तरह पकड़ कर नीचे का तागा ऊपर लेना चाहिए, इस तरह से लेकर ही चलाना चाहिए। आप वैसे ही चलाए बोले तो ना, आपकी सिलाई मशीन में तागा फंसता है। तागा वाले बाद आप इस तरह से कपड़ा लगा के ही फिराना चाहिए, और बिना कपड़े के कभी नहीं फिराना चाहिए। और एक और देखिए दोस्तों, चलाते चलाते कभी कभी क्या होता है बोले तो ना, आप पैंडल मार रहे हैं और सीधा ही मारना चाहिए कभी भी। कभी कभी क्या होता है बोले तो ना, सीधा मारते मारते कभी कभी उल्टा फिरता है मशीन। उल्टा फिरने पर भी आपकी सिलाई मशीन में तागा फंसता है। इस तरह से उल्टा नहीं फिराना चाहिए, उल्टा फिरने पर भी आपकी सिलाई मशीन में तागा फंसता है। और देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है बोले तो ना, आपका काम ख़त्म हो गया है। जैसे ही काम ख़त्म हो गया बाद आपकी सिलाई मशीन से ऐसा तागा निकाल के रख देते हैं आप। तागा निकाल के ऐसा ही तागा मशीन के ऊपर रखते हैं, मशीन से तागा नहीं निकालते, ऐसा ही छोड़ देते हैं। कोई आके मशीन को फिराए बोले तो ना, आपकी सिलाई मशीन में धागा फंसता है। इस तरह से भी आपके मशीन में धागा फंसता है। आप चलाते चलाते भी क्या होता है बोले तो ना, यहाँ पे शटल के अंदर फंसता है, और यहाँ पे लिंक के अंदर फंसता है, इस तरफ भी फंसता है, और व्हील के अंदर भी फंसता है। इस तरह तीन जगह में ज़्यादातर सिलाई मशीन में तागा फंसता है। सबसे ज़्यादा बोले तो ना, दो जगह में फंसता है। यहाँ पे नाल के अंदर ये जो शटल है, देखिए ये शटल के अंदर फंसता है, नहीं तो ये लिंक के अंदर भी फंसता है, कभी कभी फंसता है, मगर इसके अंदर ही ज़्यादा फंसता है, और व्हील में भी फंसता है। जैसे ही आप ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ऊपर खड़ा करके देखना चाहिए मशीन को। क्या करना चाहिए, नाल के अंदर तागा फंसा है तो इस तरह से उल्टा घुमाना चाहिए। ये देखिए, उस तरह से उल्टा घुमाना चाहिए। उल्टा घुमा के यहाँ पे देखना चाहिए, तागा दिखेगा आपको। यहाँ से तागा दिखा तो सुई लेकर आप यहाँ पे अंदर कहीं पे भी फंसता है, नीचे अंदर नाल के अंदर फंसता है। इस तरह से देखना चाहिए, चारों तरफ घुमा के देखना चाहिए कहाँ पे फंसा है। ये देखिए, इस तरह से तागा फंसता है। इस तरह से तागा फंसा तो अंदर से निकाल लेना चाहिए। ये तो ऊपर से तागा आया है, मगर अंदर तागा फंसता है, यहाँ पर फंसा है तो उसको निकाल लेना चाहिए। और देखिए दोस्तों, सब उसके बाद देखिए, नाल के अंदर फंसे बाद इसके अंदर फंसता है। इसके अंदर फंसा तो एक कवर निकालना चाहिए, कवर निकाल के बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये लिंक मॉडल मशीन है। लिंक मॉडल मशीन में इस तरह से इसके अंदर फंसता है। अगर से टेलर मॉडल है तो इस तरफ तागा डालने का रहता है, इस तरफ तागा डालने का रहता है। वो वाला रहा तो आपको अलग से तागा फंसने का रहता है। ये लिंक मॉडल मशीन में ये लिंक के अंदर यहाँ पर तागा फंसता है। ये देखिए, इस तरह से इस जगह में तागा फंसता है, या इसके अंदर इस तरफ फंसता है। इस तरह फंसा है तो आप इसको, ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए लिंक का जो नीचे का हिस्सा है, देखिए ये ऊपर नीचे होते रहता है। ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए इस तरह नीचे रखना चाहिए। इसको नीचे रख कर यहाँ पर होल दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पे होल है ना, इस तरह से नीचे की ओर से स्क्रूडर डाल के होल में इस तरह डाल के इस नट को लूज़ कर लेना चाहिए। लूज़ करके ये राड आपको बाहर आ जाएगा पूरा। इस तरह से पुराने वीडियो में भी मैं डाल के बताया है कैसे कैसे करना है, ये नेडल बार को निकाल के आप शटल सेटिंग बाद में कैसे करना है, सब कुछ वीडियो में बताया है। और आगे भी मैं इस तरह से वीडियो बना के डालूँगा, देखते रहना चाहिए दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये अभी इसके अंदर तागा फंसा है तो आपको ये इसको निकाल के बना सकते हैं, या यहाँ पे इसके अंदर तागा फंसा है तो सुई से आपको निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी तागा फंसता है। और देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए इस तरह से इसके व्हील में फंसता है। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये व्हील है, इसके व्हील के अंदर ये जो गाला है, देखिए ये गाला के अंदर फंसता है। आप
ये पहिया भी निकाले बोले तो ना, मैं देखिए दोस्तों ये पहिया निकाले बाद भी आपको ये नहीं निकलेगा, ये बुश यहीं पे रहेगा, ये बुश दिख रहा है आपको, ये बुश यहीं पे रहेगा, ये व्हील निकाले बाद ये बुश यहीं पे रहेगा, मगर ये इसके अंदर निकालना है तो ये पूरा व्हील निकाल के बुश को भी सरकाना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ता है। इसको भी एक वीडियो बना के बताऊँगा मैं कैसे कैसे इसके अंदर धागा निकालना चाहिए। और देखिए दोस्तों इसके बाद अगर से इसके अंदर फंसा है तो आपको ऊपर से निकालना है तो एक सुई से भी निकाल सकते हैं, वैसे ही निकाल भी सकते हैं आप।